गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू पेज नंबर 76 एंड 77 ऑफ इंग्लिश प्रैक्टिस बुक। लेट्स स्टार्ट। सी व्हाट राधा हैज़ रिटन अबाउट माय मम्मी। देखो राधा ने अपनी मम्मी के लिए क्या लिखा है। देखो ये कौन है, राधा, और इसने अपनी मम्मी के लिए क्या लिखा है ये हम पढ़ते हैं। माय मम्मी इज़ मिसिज सीमा। मेरी मम्मी का नाम मिसिज सीमा है। शी इज़ ए टीचर, वह एक अध्यापक है। शी कुक्स फॉर मी, वह मेरे लिए खाना बनाती है। आई लव हर, मैं उनसे प्यार करती हूँ। आई लव हर, मैं उनसे प्यार करती हूँ। नाउ राइट 3-4 लाइन्स ऑन माई टीचर। अब हमने माई टीचर के ऊपर 3-4 लाइन लिखनी है। सम वर्ड्स दैट मे हेल्प टीचर्स, केयर्स, काइंड, लव, एंग्री। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो आपकी सहायता के लिए हैं, केयर्स, काइंड, लव, एंग्री। अब हम इन वर्ड्स से लाइन्स लिखेंगे। मिसिज रंजना इज माई टीचर। मिसिज रंजना इज माई टीचर। She is very kind. वह बहुत दयालु है। She never gets angry. उन्हें गुस्सा नहीं आता। She cares me. वह मेरी देखभाल करती है। I love her. मैं उनसे प्यार करती हूँ। अब हम पेज नंबर 77 करेंगे। Read the note Neera has left for her mom. हम ये नोट पढ़ेंगे जो नीरा ने अपनी मोम के लिए छोड़ा है। मोम, रानी आंटी रिंग अप अबाउट ए पार्टी टुमारो, प्लीज रिंग हर बैक। रानी आंटी की कॉल आई थी कल की पार्टी के लिए, प्लीज आप उनसे कॉल बैक कर लेना। यू आर गोइंग आउट टू प्ले एट ए फ्रेंड्स हाउस। आप अपने दोस्त के घर खेलने के लिए जा रहे हो। लीव ए नोट फॉर योर मोम, और मम्मी के लिए एक नोट छोड़ना है। आप देखो ये नोट छोड़ा है। मोम, आई एम गोइंग आउट टू प्ले एट माई फ्रेंड्स हाउस। उसने नोट छोड़ा है कि मैं अपने फ्रेंड के घर खेलने के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आई विल बैक होम एट 5 o'clock, और मैं वापस 5 बजे तक आऊँगी। और यहाँ पर बेटा आपने नीचे जो दिया हुआ है यहाँ पर आपने अपना नेम राइट करना है, और आपने सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है और लर्न भी करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।